हे गाइस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पतंजलि झा और आप देख रहे हैं पतंजलि झा क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube थंबनेल किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों YouTube थंबनेल एक इम्पोर्टेंट रोल होता है YouTube थंबनेल का बनाने का, जिसकी वजह से आप अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, YouTube थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों हम आपको सीधा लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि किस तरह से यूट्यूब थंबनेल बनाया जाता है। मात्र 5 मिनट में आप बनाना सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो, और आपको किसी भी यूट्यूबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से आप बना सकते हैं और खुद से अपने YouTube पर अपलोड कर सकते हैं YouTube थंबनेल बना करके। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपका एक YouTube थंबनेल भी आपका कहीं ना कहीं मायने रखता है आपके वीडियोस की सब्सक्राइबर और व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूट्यूब थंबनेल बनाया जाता है। गाइस तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको लेकर के चलते हैं कि कहां पर आपको क्या करना है और किस तरह से आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना पड़ेगा पिक्सल लैब। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना पड़ेगा पिक्सल लैब सर्च कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। देखिए ये हमारा पिक्सल लैब ओपन हो चुका है। पहली बार आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा पिक्सल लैब को आपको खोलते समय। तो पिक्सल लैब को खोलते समय आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। ये खुद ब खुद आपको इस साइज़ में आ जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद आपको अगर अच्छे से एडिटिंग करना है तो चलिए मैं आपको एक अपने तरीके से बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको एडिट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कलर लेंगे। कलर देखते हैं कहाँ से मिलता है। कलर ले लिए, यहाँ पर ग्रेडियंट ले लेते हैं। ग्रेडियंट का बहुत अच्छा योगदान रहता है, चाहे तो आप उसे बना भी सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, चाहे तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं लेकिन हमें सीधा एक कलर चाहिए। चलिए हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अगर इमेज से या फिर आपको टेक्स्ट से सेव करना है या फिर आपको अपना इमेज लगाना है तो आप किस तरह से लगाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पिक्सल लैब से यूज़ करके जो यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। ये हम जो थंबनेल यूज़ करने वाले हैं, बना रहे हैं अभी, वो थंबनेल हमारा यूट्यूब के लिए उपयोग होगा, यूज़ होगा, वो आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इमेज कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम गैलरी से क्लिक करेंगे। गैलरी से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रीसेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। हमें पहले इस इमेज को अपलोड करना है तो क्रॉप करने के बाद आप इसे सही का ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप, हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, इसे यहाँ पर थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं और इसे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, बस इसे हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद इनेबल करेंगे, उसके बाद इसके ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें एक और इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहे तो इसे नहीं भी दे सकते हैं और फिर आपको जिस तरह का देना हो दे सकते हैं। तो हमें इस तरह का ही चाहिए और यहाँ पर हमें ये इस तरह का हम सेटिंग कर देते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से हमको एडिट करना है। उसके बाद हम शेप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से शेप सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद हम इसे स्ट्रोक को ओपन करेंगे। स्ट्रोक को फिर ब्लैक रखेंगे, स्ट्रोक को ब्लैक या फिर ब्लू, आपको जिस भी कलर का हो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अभी, हम चलिए ब्लू ब्लैक करके दिखा देते हैं आपको।
और ब्लैक को मोटा करने के बाद ये स्ट्रोक हो गया। इसके बाद इसकी ऑप्टिसिटी को थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे हम लोग। इतना रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे टू बैक कर देंगे, ठीक है। और बैक करने के बाद इसमें इस फोटो को क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा शेप लेना है वहीं, और कौन सा, सर्कल का, सर्कल का शेप लेंगे। इसकी ऑप्टिसिटी को भी हल्का सा कम करेंगे इतना, ठीक है। उसके बाद फिर इसके स्ट्रोक को ब्लैक कर देंगे थोड़ा ज़्यादा, हाँ ठीक है। और इस स्ट्रोक को देख पा रहे हैं आप, हल्का सा और पतला कर देंगे तो अच्छा रहता है। हल्का सा हमने और इसको पतला कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। ये लेयर आपको अच्छे से दिखेगा। उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से आपको एक मिनट, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस चीज़ को लॉक कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, अपने जगह से फिर ये हिल नहीं पाएगा। आप इसे यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट कुछ लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एडिट, एडिट पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना हो टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमें लिखना है थंबनेल कैसे बनाए, थंबनेल कैसे बनाए, थंबनेल कैसे बनाए, जी हाँ। ये यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक मिनट। अब आप, हमें लगता है कि यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हमें एक और इमेज सेलेक्ट करना है, वो है आपका यूट्यूब का। तो यूट्यूब का हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम यूट्यूब का इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब का इमेज हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम यूट्यूब को ऐड करेंगे। इसके बाद थंबनेल कैसे बनाएं, यहाँ पर पहले थंबनेल, उसके बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको किस तरह से साइज़ हमने यहाँ पर। इसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट पर आपको देखना है जिस तरह का आपको चाहिए। हमें, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल्ड करने कर देते हैं। उसके बाद फिर ये लाइट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे क्या कि अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर दिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे कि इसमें कलर्स चेंज कर देंगे। कलर चेंज करेंगे, हमें कुछ अलग सा कलर चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरह का, जी इस तरह का कलर हमें चाहिए। और ठीक है, ये हमें कलर अच्छा लगता है तो हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आप इस, आपको वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से स्ट्रोक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम कलर को बदलने जा रहे हैं, कलर दूसरा हमें चाहिए, ग्रेडियंट में नहीं कलर में चाहिए हमको। तो कलर हमें ब्लू वाला पसंद है, ठीक है। और फिर स्ट्रोक की वेड्थ जो है, चौड़ाई जो है, इसे हम कम करेंगे, हाँ ठीक है, इतना रहने देते हैं, इसे हम कम कर दिए। अब ठीक है, अब इसे अलाइनमेंट पर जाने के बाद, ठीक है, स्पेसिंग इतना ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे अपना एक फ़ोटो ऐड, ठीक है। फ्रॉम गैलरी से, गैलरी में जाने के बाद हमें एक फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा और ये फ़ोटो हमारे गैलरी में होगा। गैलरी से हम एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम अपना एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है।
अपना एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से हमने फ़ोटो को अपलोड किया है। इसे हल्का सा नीचा कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो फ़ोटो में स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। इसमें हम हल्का सा ब्लैक का जो स्ट्रोक है ये हम लगा रहे हैं, ठीक है, हल्का सा ब्लैकिंग स्ट्रेंथ है ये हम लगा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी जो लेयर है इसे हम फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको एडिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद हम इसे एडिट करेंगे किस तरह से। इसकी जो स्टाइल है उसे हम बोल्ड करने के बाद हम जाएंगे लाइन स्पेसिंग, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी और इसे हम ये इतना ठीक है। उसके बाद फिर अलाइनमेंट पर जाने के बाद ये भी सही है और इसे हम फिक्स करेंगे यहाँ, ठीक है। और एक और इसका डुप्लीकेट हम बनाएंगे यूट्यूब का, इसका एक और हम बनाएंगे और इसे हम सेट करेंगे यहाँ पर। इसे अभी के लिए हम फिक्स कर रहे हैं और हमें इसका चाहिए, ठीक है। इसके अलाइनमेंट को ना हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब लाइन स्पेसिंग को, ठीक। अब इसे हम हल्का सा नीचा कर लेते हैं और फिर इसे फिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों ये सही है और इसे हम भी फिक्स कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि ये अच्छा सा बन चुका है बैनर हमारे लिए। और हमें करना पड़ेगा यहाँ से सेव इमेज और यहाँ सेव इमेज के बाद अल्ट्रा सेव टू गैलरी। फाइनली दोस्तों मेरा ये इमेज सेव हो चुका है और मेरा एक थंबनेल बन चुका है, ठीक है दोस्तों। हेलो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे कि यूट्यूब थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियोस को अंत तक देखते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगा, आप हमें एक लाइक दे दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।